रूप खालसा जी आप सरबत संगतां सरबत माई भाई बहुत वड्डे भागां वाले जी शरदा ते प्यार नाल सतगुरां दे हजूर सज बैठे जी। आओ सब तो पहलो कलगीधर पातशाह महाराज जी की देण नूं धराई जिहड़ी देण एक वारी बोलण दे नाल दो वारी वाहेगुरु जी का सिमरन हुंदा जिहदे प्रसाए किहे विद्वान सज्जने लिखिया रब घर मुल पैंदा है भजन दा उत्थे जात पात नूं पुछदा ना कोई जी उत्थे ना लिहाज वैरी ते सज्जण दा बाज नेह कमलां तों मिलदी ना ढोई जी उत्थे जे लिहाज हुंदा पातशाही दा आलूने साग ते रीझ दा सियामना धन्ने दियां मिसियां ते रब रीझे पत्थरां नूं पाड़ नाल खाण बहि गया नाम देव दा कटोरा दा ते उदों छड्या जदों खाली रह गया भीलणी दे जूठे विर खाधे श्री राम ने जग मन दा धन धन होई जी रब घर मुल पैंदा है भजन दा उत्थे जात पात नूं पुछदा ना कोई जी। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी कह रहे ने प्रभु का सिमरन सब ते उच्चा। आओ दो वारी वाहिगुरु का सिमरन करिए अदब सत्कार नाल सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं दोवें हाथ जोड़ के सीह झुका के कह दिए जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आप सरबत संगतां सरबत माई भाई बहुत वड्डे भागां वाले जी महापुरखां दे तपस्थान दीआं हाजरियां भर रहे जी उन्हां दा सलाना जोड़ मेला शरदा ते प्यार नाल मना रहे जी उन्हां दी याद विच जुड़े जी सारे नगर निवासी इलाका निवासी ते संतां महापुरखां दी कार सेवा वाले महापुरखां दे संयोग नाल अज दा मेला मनाया जा रहा। बहुत सत्कारयोग जथेदार करम सिंह जी पिंडर अज कल मनाया जा रहा रह रहे हैं अजक मनहदियाँ रह रहे हैं तो मौड़िया वाले भाई वसन सिंह जी उन्होंने वालों बिंद सारी माया हाजिर है इन्हों वल जा पाने की लौड़ अपन तो उदा ही पता अज दे कि मिलने गुरु कृपा कर सच्चे पातशाह महाराज जी परिवार से मेहर भरिया हाथ रखे गुरसिखी जीवन नामदन भूषण भाई साहब भाई जथेदार मेजर सिंह जी वो स्टेज की ड्यूटी निभा रहे तो उन्होंने वालों भी माया अरदास है सच्चे पातशाह कृपा करन मेरा भरिया सिर ते हाथ रखन गुरसिखी जीवन नामदन बख्शन चढ़दी कला करन होर मेरे सत्कारयोग वीरां वल्लों भैणां वल्लों बिंद सारी माया हाजर है सच्चे पातशाह कृपा करन परिवारां ते मेर भरिया हाथ रखन गुरसिखी जीवन नामदन बख्शन अपने दरों घरों खुशियां दे गफे दे के निहाल निहाल करन समा तुसी सरवण कर लिया जी मैं धन्नवाद करदा तुसी समा दे के नवाजिया समय विच रहिंदे होए आ आप जी नाल विचारां करके आप जी कोलों खिमा मंग लैणी आ बाबा मेजर सिंह भाई मेजर सिंह भी जाणदे ने ते सतगुरां दे ग्रंथी आप नगर वासी भी नगर निवासी भी जाणदे जी बड़ा लंबा समां असी हर पूर्णमाशी दे दिहाड़े ते इस स्थान दीआं हाजरियां भरदे रहे हैं ते माया जिन्नी मिल जाणी जिन्नी कि मिल जाणी ना उन्नी कि लै के सतनाम वाहिगुरू कह के चल हुण महंगाई दा समां आ साडे भी बस दी गल नहीं आ इस करके बहुता लंबा चक्कर नहीं साडे कोल वजदा हुण साल बाद तकरीबन कोशिश करी दी आ वी इस स्थान दी हाई भरीए भावें थोड़ा समां मिले। धन्नवाद महाराज कृपा करन भगत कबीर साहब जी कहिंदे कबीर एक घड़ी आधी घड़ी आधी हूं ते आद भगतन छेते गोष्टे जो कीने सो लाभे लाभ दीआं घड़ियां तुसीं प्राप्त कर रहे जे सच्चे पातशाह कृपा करना सभना दीआं हाजरियां अपने चरणा विच लवाउण महाराज जी समय विच रहिंदे होए मैं आप जी नाल विचारां करके आप लोकां नूं मंग लैणी सतगुरां दे हजूर बैठे ने मेरे वीर जी चौर साहिब की सेवा निभा रहे ने उन्हां वल्लों भी माया अरदास होई है महाराज कृपा करना मेरा भरिया सिर ते हथ गुरसिखी जीवन नामदन बख्शन होर वड्डे भाजी माया अरदास करवाउंदे ने आओ प्यार नाल सरवण करिए कलगीधर पातशाह महाराज जी की जीवनी विचों आप जी दे नाल कुछ विचारा करके मैं आप खिमा मंग लैनी है। सतगुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी दे गुरमुखो प्यारियो चोज साडे कहण ते सुण तों बारे ने किहे विद्वान सज्जन लिखिया महानूर बहारां दे जन्मदाता छेड़ा किस तरह तेरे गुलजार की गल फुल कुल कनात दे टुट पैने छेड़ी जदों मैं जीत जिहार की गल बुढ़े अरश की कबर ना टुट जाए छेड़ी ताइयों नहीं अजे द्वार की गल गिड़गिड़ लालियां चढ़दियां कणकणियां ते छिड़दी जदों भी तेरे परिवार की गल मेरी कलम इन्ना दम कितने लिख सके जो तेरे पर उपकार की गल कलगीधर पातशाह महाराज के पर उपकार साढ़े कहण ते सुण तों बारे ने। सतगुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी बैठे ने दीना कांगड़ की धरती दे जितों सतगुरु ते पातशाह महाराज ने हिंदुस्तान के बादशाह जफरनामा लिखिया हिंदुस्तान के बादशाह ने जफरनामा पढ़िया पढ़द्या सार काल चलाना कर गया क्योंकि समा मेरे को सीमित जिहा समय के मुताबिक चलना पैना पढ़द्या सार काल चलाना कर गया तो वो पुत्रां दे विच राज दी खातर झगड़ा पै गया इहदा राजकाल संभालदा इहदा छोटा पुत्र है तारा आजम इहदा वड्डा पुत्र बहादुर शाह वह बलख बखारे गया होया जदों उन्हों उत्थों पता लग्या ना ये वाह उदाई आ रहा
जो आगरे पहुंचा इन पता लगा मेरे भरा ने राज कायम करन दा ऐलान कर दिता है, उन्हें राज कायम कर लेना। उहदे कोले इस वेले सरकारी फौज सारी, उहदे कोले शाही फौज, उहदे कोले शाही खजाना भी है, खर्च भी मेरे नालों बहुत आ। मैं लड़के उहदा मुकाबला कला नहीं कर सकता जे मेरी कोई मदद ना करे। तो गुरमुखो प्यारो, फिर इन्हें आसरा तकिया कलगीधर पातशाह महाराज जी का, कहिंदा जे कलगियां वाले हिंद दे पीर मेरी मदद करन तां मैं हिंदुस्तान का बादशाह बन सकदा है, उहदा मैं बादशाह नहीं बन सकदा। इन्हें भाई साहब भाई नंद लाल जी ने सतगुरु जी पातशाह महाराज जी के कोल भेजिया, नंद लाला अज मेरा जे कितने काम सवारे तेरा मैं रिनी रवांगा। सतगुरु जी पातशाह महाराज जी ने बेनती कर दे, कह दे मेरी मदद कर देन, वह मैनू हिंदुस्तान का बादशाह बना देना। उन्होंने हिंदुस्तान की धरती ते किते भी जाण तो कोई रोकेगा नहीं, कोई टैक्स नहीं उन्होंने लागू होगा। उन्होंने मशहूम बच्चों के जिन्ने जरवाने जिन्ने कादल ने वो महाराज दे मैं पेश कर देंगा। भाई नंद लाल जी मंजिलों नूं तय करदा है, यह पहुंचा सतगुरु जी पातशाह महाराज जी दे। सतगुरु जी पातशाह महाराज जी नूं बेनती कर सत्कारयोग भैन जी गुरु दरबार की हाजरी भरदे आए हैं। अमृतपाल सिंह के नाँ तो माया अरदास करा के गए सजे पातशाह कृपा कर, जिन्हां भावना नूं मुख रखदे अरदासां सो भावना सतगुरु जाणदे ने। दिलां दीआं आसां मुरादां पूरियां करन घट घट के अंतर की जाणत भले बुरे की पीर पछाणत महाराज कृपा करन। होर मेरिया सत्कारयोग भाणा वालों वीरां वालों माया अरदास है, सजे पातशाह कृपा करन मेरा भरिया सिर ते हाथ रखन, गुरसिखी जीवन नामदन मुश्कर दीआं गलां करन। भाई नंद लाल जी सजे पातशाह महाराज जी दे कोल पहुंचे, बेनती करदा महाराज जी नूं, सजे पातशाह महाराज जी बहादुर शाह की यह बेनती है, कहिंदा जे मैं हिंदुस्तान का बादशाह बन जावा, सजे पातशाह महाराज जी तुहानूं कोई टैक्स नहीं, कोई रोक टोक नहीं, जिथे मर्जी फिरो, ताडे मासूम बच्चों के कातल ताडे पेश किए जाएंगे। सजे पातशाह महाराज कहिंदे भाई नंद लाला तू आया जी आया नूं, पर इन्हां बादशाहां का कोई अतबार नहीं होंदा। ये कहिंदे कुछ ने करदे कुछ ने, जो इन्हां कहना वह करदे नहीं, इन्हां दा अतबार कोई नहीं। सजे पातशाह महाराज ने एक चिट्ठी लिखी है बहादुर शाह, बहादुर शाह संबोधन करके कहते हैं बादशाह बादशाह का अतबार नहीं होंदा, वह प्यार ना विछोए वाले जथे को सर्व करिए। लिखिया सच्चे पातशाह गल सुनी जवाना, मर्द चढ़ाउंदे नेतरे जो मिथन नसाना, डाकू दे दिल साध दा सत्कार नहीं हुंदा, बादशाह अतबार नहीं हुंदा। लिखिया सच्चे पातशाह गल सुनी जवाना, मर्द चढ़ाउंदे नेतरे जो मिथन नसाना, डाकू दे दिल साध दा सत्कार नहीं हुंदा, बादशाहां दा बादशाह अतबार नहीं हुंदा। तकला तेरे बाप ने, तकला तेरे बाप ने जो कैर गजारे, भुल नहीं सकदे ओ भुल नहीं सकदे, याद ने ओ मैनू सारे। विश्व दे हनकार दा फलदार नहीं हुंदा, बादशाहां दा बादशाह अतबार नहीं हुंदा। वैदा करके ओ वैदा करके बादशाह भुल जांदे, जेड़े खाने पैंदे उहनां नूं दोजख विच अंगड़े। मर्दां वाला जिन्हां दा गरदार नहीं हुंदा, बादशाहां दा बादशाह अतबार नहीं हुंदा। अणख ने माफी मंगदी, अणख ने माफी मंगदी, दुध जैर नहीं हुंदा, धर्म ने आंदा किसे नाल कोई बैर नहीं हुंदा। सारा जीवन बंदे दा एक सार नहीं हुंदा, भई सारा जीवन बंदे दा एक सार नहीं हुंदा, बादशाहां दा बादशाह अतबार नहीं हुंदा। हार नहीं हुंदा,
बादशाहां दा बादशाह अतवार नहीं हुंदा। औखी वेले यार दा जो दर्द बंडाउंदे मरदा ते सन सार विच ओ मर्द कहाउंदे। दिल दे हौले बंदे तों बल धार नहीं हुंदा बादशाहां दा बादशाह अतवार नहीं हुंदा। मौका ताड़ू याद भी नहीं पूरी पाउंदे मौका ताड़ू आदमी नहीं पूरी पाउंदे मतलब कड़ के अपना जो मोहस पाउंदे। ओ सोने वरगा पितल दा चमकार नहीं हुंदा बादशाहां दा बादशाह अतवार नहीं हुंदा। गल करिए फुकियाई दी ते झूठ ना बोली खा के कसम कराण दी फिर पूरा तुली। जोगी ते सिर दार दा तरकार नहीं हुंदा बादशाहां दा बादशाह अतवार नहीं हुंदा। सतगुरु चे पातशाह महाराज कहिंदे बादशाह बादशाहां दा अतवार नहीं हुंदा जो कहिंदे ने ओह करदे नहीं। सतगुरु चे पातशाह महाराज जी की लिखी हुई चिट्ठी लैके ना वापस भाई साहब भाई आनंद लाल जी पहुंचे। सच्चे पातशाह महाराज जी की चिट्ठी पढ़ी महाराज जी ने संबोधन करके आख्या तेरे प्यो ने साडे नाल बड़े वादे किए सन उन्होंने साडे ते किन्ने अत्याचार किए ने साडे मासूम बच्चों शहीद किया है बादशाह वाला काम उन्हें भी नहीं किया। उन्होंने बादशाही मिली सी उहदा काम सी प्रजा का भला करना प्रजा की राखी करनी मासूमां की राखी करनी पर उन्हें दरबाणियां वाला काम किया। ते तू भी बादशाह बनना चाहना बादशाह का बादशाह अतवार नहीं हुंदा अही तेरा अतवार नहीं करते। इन्हें फिर दोबारा एक निम्रता भरी चिट्ठी ग्रंथ साहिब की कसम खा के गुरमुखों प्यारों महाराज जी ने चिट्ठी पाई सजे पातशाह महाराज ने फिर उसकी मदद की जे जो दे मैदान में तारा आजम मारिया महाराज जी ने इनू बादशाही मिली। इन फिर ज्ञान हो गया भी महाराज के चले हुए तीर ना तारा आजम मारिया गया इन्हें सजे पातशाह का धनवाद किया। समा समाप्त है तो कहानी लंबी है आप जी ना विचारा कर दें बहुत सारिया भुला गलतियां करके होवेंगे सतगुर ते संगत बचण योग है सजे पातशाह महाराज कृपा करन जी परिवारों से मेहर भरिया हाथ रखन गुरसिखी जीवन नाम धन बख्शन चढ़दियां कलाकन अपने दरों को खुशियां दे गफे दी निहाल करना। साढ़े तो बाद जिहड़ा तुसीं चेचे तुहाडा सद्या जथा ढाडे जथ भाई गुरपेज सिंह जी चुंडे वाले उन्हां वालों भी बिंद सारी माया हाजिर हुई है धन्यवाद किया जाता सचे पातशाह कृपा करना अपनी कृपा दा शिवें रखन। सत्कारयोग प्रबंधक जना वालों वीर वालों माया अरदास है धन्यवाद किया जाता सचे पातशाह कृपा करना मेरा भरिया सिर ते हथ रखन गुरसिखी जीवन नामदन बख्शन। आओ साडा नफा दे सांझी करो आने वाला प्रोग्राम सरवण करिए जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा